नगर नगर और गांव गांव होते हुए और मार्ग में शिक्षा देते हुए मसीह यीशु यरूशलेम नगर की ओर बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे प्रश्न किया, प्रभु क्या मात्र कुछ ही लोग उद्धार प्राप्त कर सकेंगे? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम्हारी कोशिश ये हो कि तुम संकरे द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अनेक इसमें प्रवेश तो चाहेंगे किंतु प्रवेश करने में असमर्थ रहेंगे। एक बार जब घर का स्वामी द्वार बंद कर दे तो तुम बाहर खड़े द्वार खटखटाते हुए विनती करते रह जाओगे, महोदय कृपया हमारे लिए द्वार खोल दें, किंतु वो उत्तर देगा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैं नहीं जानता। तब तुम कहोगे, हम आपके साथ खाया पिया करते थे और आप हमारी गलियों में शिक्षा दिया करते थे। परंतु उसका उत्तर होगा, मैं तुमसे कह चुका हूँ तुम कौन हो, मैं नहीं जानता, चले जाओ यहाँ से, तुम सब कुकर्मी हो। जब तुम परमेश्वर के राज्य में अब्राहम इसहाक याकूब तथा सभी भविष्यद्वक्ताओं को देखोगे और स्वयं तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा, वहां रोना और दांतों का पीसना ही होगा। चारों दिशाओं से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के उत्सव में शामिल होंगे और सच्चाई ये है कि जो अंतिम हैं वे पहले होंगे तथा जो पहले वे अंतिम। उसी समय कुछ फरीसियों ने उनके पास आकर उनसे कहा, यहां से चले जाओ क्योंकि हेरोदेस तुम्हारी हत्या कर देना चाहता है। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल प्रेतों को निकालूंगा और लोगों को चंगा करूंगा और तीसरे दिन मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच जाऊंगा। फिर भी ये जरूरी है कि मैं आज कल और परसों यात्रा करूं, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि किसी भविष्यद्वक्ता की हत्या यरूशलेम नगर के बाहर हो। यरूशलेम, ओ यरूशलेम, तुम ऐसे नगर हो जो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या कर देता है तथा उनका पथराव करता है जो इसके लिए भेजे जाते हैं। कितनी ही बार मैंने चाहा कि तुम्हारी संतानों को इकट्ठा करूं, ठीक वैसे ही जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा कर लेती है, किंतु तुम ही ने ना चाहा, इसलिए तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जा रहा है। जो मैं तुमसे कह रहा हूँ उसे सुनो, तुम मुझे तब तक ना देखोगे जब तक वो समय ना आए जब तुम ये कहोगे, धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है।